हेलो गाइस, भूषण सर से मुझे बड़ी ही ब्लॉगर बाय चॉइस एंड ये सब वीडियो एडिटर बाय पैशन। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप जो है ग्लिच इफेक्ट बना सकते हो इन कैनवा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ा आएगा, इन्हें बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्रो में चाहो या फिर कहीं पर अगर आपको पॉपअप करना है ऐसा टेक्स्ट तो आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स गेट टू आवर लैपटॉप। सो गाइज, हम आ चुके हैं लैपटॉप पे एंड मैंने कैनवा ओपन कर लिया है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक नया फाइल क्रिएट करना है हमको, आपको पता है कैसे क्रिएट करना है, अगर नहीं पता वापस बता देता हूँ एक बार। क्रिएट डिज़ाइन पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है ऐसा आएगा आपको, तो यहाँ पे से कोई भी सिलेक्ट कर लो जिस पे आप बनाना चाहो। ठीक है, आप कस्टम साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मुझे लगता है 1920x1080। सो ये सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह का एक पेज खुलेगा हमको। अभी आपको क्या ग्लिच करना है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको फ़ोटो करना है या टेक्स्ट करना है। मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहले तो जो फ़ोटो चाहिए आपको यहाँ पे आप ले लो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ग्लिच इफेक्ट लगाएंगे। तो पहले तो बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से वो दिखे टेम्प्रेरी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसको क्या करूँगा मैं, सिलेक्ट करना है आपको फ़ोटो को, आप जो भी फ़ोटो को ग्लिच करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। एंड देन आपको इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में। उसके बाद थोड़ा नीचे आके आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट्स है। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे से कोई भी एक ग्लिच, जिनके पास मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो इनके पास टोटल 8 ग्लिच इफेक्ट्स हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। अभी मुझे बेसिकली मतलब पर्सनली स्प्लिट अच्छा लगता है, ये मींस फ़ोटो को 3 RGB में डिवाइड कर देता है। अभी इसको अगर आपको और भी इसको एनहांस करना है, मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे स्प्लिट सिलेक्ट कर लिया, अगर आपको इससे आप खुश नहीं हो जो भी यहाँ पे रिजल्ट है, आप इसको जो है थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हो। कहाँ पे, इसी आइकॉन पे वापस एक बार क्लिक करना है एंड अमाउंट कम ज़्यादा आप करोगे तो आप देख सकते हो कि वो जो ग्लिच इफेक्ट है वो कम ज़्यादा होगा। एंगल भी आप चेक से सेट कर सकते हो आपके हिसाब से, कैसे आपको रखना है वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, अभी ये तो स्प्लिट हो गया, अभी आप ट्राई एंड टेस्ट कीजिए चीज़ें, आपको अप्लाई राउंड करना है एंड वो हो जाएगा। अभी इसके ऊपर वापस एक बार अगर कोई इफेक्ट लगाना है तो आप वापस एक बार ग्लिच पे क्लिक करोगे तो आप वापस दूसरा एक इफेक्ट सेम इफेक्ट पे लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि ओपैल मैंने सिलेक्ट किया तो उसी इस पर एक ओपैल का ये लग गया दूसरा इफेक्ट, तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे अगर मैं करूँगा तो एक ग्लिच इफेक्ट आ रहा है। राइट, सो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, मैं अप्लाई कर दिया, मैं इससे खुश हूँ, तो ये मेरा ये फ़ोटो हो गया ग्लिच। ठीक है, अभी यही चीज़ जो है आप सिमिलर वे में टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो, बट आपको टेक्स्ट के लिए जो है एक ऐसा टेक्स्ट चाहिए जिसका कि बैकग्राउंड नहीं हो। अभी कैनवा में आप वो कैसे कर सकते हो, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप एक नया पेज सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको कि एक पहले तो टेक्स्ट यहाँ पे लगाना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है, सेंटर कर लिया है इसको। अभी इसको क्या करना है, एक तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको। अभी कैनवा में ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि विदाउट बैकग्राउंड हम डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं डाउनलोड, बट उसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए। अभी ये प्रो वर्जन का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, फ्री में ही कैसे करना है वही बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है इस इमेज को डाउनलोड कर लो एज अ PNG। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया इसको। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। उसके बाद आपको क्या जाना है, remove.bg पे जाना है। remove.bg इज अ वेबसाइट जहाँ से आप जो है बैकग्राउंड कोई भी इमेज का रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो ड्रॉप करना है इमेज, तो ये अपने आप स्कैन करके सारा उसका बैकग्राउंड निकाल लेगा एंड आपको उसको वापस डाउनलोड कर लेना है एंड वापस यहाँ पे आके इसको अपलोड करना है। तो बेसिकली ये मैंने डिलीट कर दिया ग्लिच एंड यहाँ पे ये वाला अपलोड कर लिया।
तो पहला जो फाइल था दैट वॉज विद द बैकग्राउंड जो डाउनलोड हुआ, अभी ये वाला है इंडिपेंडेंट है, अभी ये कैसे एज अ टेक्स्ट नहीं है अगर आप समझ रहे हो। सो कैसे होता है, कोई भी इमेज जब तक समझो इलस्ट्रेटर फाइल हो, जब तक आप उसको एडिट कर रहे हो दैट इज़ इन PNG फॉर्मेट, बट जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हो सो दैट बिकम्स JPEG, ठीक है, तो वो एक इमेज बन जाती है, वो PNG नहीं रहता। तो अभी इसमें जो है ये बेसिकली अभी PNG नहीं रहा, ये JPEG हो गया, दैट इज़ कि अब ये फोटो बन गया। पहले अभी मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, जैसे कि टेक्स्ट टूल से मैं एडिट कर सकता था जो पहले मैंने लिखा हुआ था, अभी मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ये एज अ इमेज है, इंडिपेंडेंट इमेज। तो इसको सिलेक्ट करके आप इफेक्ट्स में जाओगे, वापस आप ग्लिच सिलेक्ट करोगे जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैं वापस से स्प्लिट या फिर कोई और स्टेंसिल लेके देखते हैं, ठीक है। ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है, इसका अमाउंट थोड़ा कम कर देंगे हम, ठीक है, कुछ ऐसा अप्लाई कर देंगे। और एक अगर इस पर आपको और थोड़ा एनहांस करना है, व्हाट यू कैन डू इज़ गो टू स्लाइस, थोड़ा सा नीचे आके स्लाइस पे जाओगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं थोड़े ग्लिची टाइप की, आप इसको और अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि ये तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ही हो गया, ये सही है, राइट। तो इसी तरह ये तो अभी टेक्स्ट के बारे में बता दिया एंड फोटो के बारे में मैंने बता दिया, तो इसी तरह आप और भी अलग अलग टाइप के बना सकते हो। ये बेसिकली ग्लिची लिखा था मैंने, बहुत गंदा हो गया दिख रहा है वो, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स है आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग ग्लिच, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से आप भी आपका जो है ग्लिच टेक्स्ट बना सकते हो या ग्लिच फोटो बना सकते हो, जो कि आप अपने प्रोफाइल में यूज़ करो, कहीं पे भी यूज़ करो। एंड यस, अगर यूज़ कर रहे हो तो डू टैग मी, मेरा इंस्टाग्राम में यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे यहाँ पे DM कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड इसी तरह से वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, तो डू सब्सक्राइब एंड द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप मिस ना करो कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे भर भर के वैल्यू देता हूँ, ठीक है। सो अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड एज ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।